ये है दिल्ली दर्पण। आउटर नॉर्थ दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में पिछले महीने 25 फरवरी को बीट कांस्टेबल को चेकिंग के दौरान गोली मारने के मामले में वांटेड क्रिमिनल को पुलिस टीम ने एक एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें गिरफ्तार बदमाश का साथी नाबालिग निकला। आपको बता दें कि दोनों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी राजीव रंजन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब स्पेशल स्टाफ की टीम को इन बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी तो उन्होंने शाबाद डेरी इलाके में ट्रैप लगाया। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय उन पर गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल स्टाफ की टीम ने भी दो राउंड फायर किए और उन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से दो पिस्टल, चार फायर किए गए कारतूस, गोली के खोखे और जिस बाइक से दोनों बदमाश जा रहे थे वो बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार एक बदमाश की पहचान योगेश वर्मा के रूप में हुई है। वो पहले भी 8 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था, जबकि दूसरा अभी नाबालिग है। उसकी उम्र की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर